हेलो एंड वेलकम टू द मैनेजमेंट क्लासेस। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग एजवर्थ ड्यू पोली मॉडल को डिस्कस करेंगे। एजवर्थ एक फेमस एंग्लो आयरिश फिलोसोफर थे और ये पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट भी थे। इन्होंने बेसिकली ये मॉडल को इंट्रोड्यूस किया था। उन्होंने कॉर्नो के मॉडल को कन्फ्रंट किया था और बेसिकली आप कह सकते हैं कि ही क्रिटिसाइज द कॉर्नो अजम्पशन दैट ईच ड्यूपोलिस बिलीव दैट हिज राइवल विल कंटिन्यू टू प्रोड्यूस द सेम आउटपुट इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट ही हिमसेल्फ माइट प्रोड्यूस। यानी कॉर्नो मॉडल में आप पीछे मॉडल देखिए, उसमें कॉर्नो मॉडल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। कॉर्नो ने कहा था कि जो राइवल है वो अपने आउटपुट को सेम रखेगा, मैं कितना भी प्रोडक्शन को बढ़ाऊं या घटाऊं। यानी जो राइवल का प्रोडक्शन है, आउटपुट है, वो अनचेंज है। एजवर्थ ने इसी अजम्पशन को कन्फ्रंट किया है, उन्होंने बेसिकली इसको क्रिटिसाइज किया है। और वो क्या कहते हैं, जो बेसिकली जो ये एजवर्थ ने कहा, ये सेम बात बेटर्न ने भी कही है। वो कहते हैं कि ईच ड्यूपोलिस बिलीव दैट हिज राइवल विल कंटिन्यू टू चार्ज द सेम प्राइस इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट प्राइस ही हिमसेल्फ सेट्स और चार्ज। यानी वो ये कहते हैं कि आउटपुट चेंज हो सकता है लेकिन प्राइस सेम रहेगा। यानी मैं कितने भी प्राइस को चेंज करूं, मेरे राइवल के प्राइस सेम रहेंगे। तो अब दोनों मॉडल्स के बीच में मेन डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस है, इन कॉर्नो मॉडल द आउटपुट नॉट द प्राइस, द आउटपुट ऑफ द राइवल फॉर्म्स अज्यूम टू रिमेन अनचेंज इन कॉर्नो मॉडल। बट इन एजवर्थ मॉडल the rival firm is supposed to keep the price unchanged. अब देखिए यहां पर एकदम क्लियर कट डिफरेंस दोनों में हो गया है। कॉर्नो कहते हैं, कि आउटपुट जो है वो अनचेंज है और एजवर्थ कहते हैं कि प्राइस अनचेंज है। नाउ दिस इज ए बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू मॉडल्स। ठीक है, अब हम जिस तरह सारे मॉडल्स में अजम्पशन लिए गए हैं, इसी तरीके से एजवर्थ ने भी कुछ अजम्पशन लिए गए हैं, जैसे कि दो फॉर्म लिए हैं, ड्यूपोली मॉडल इन्होंने लिया है। जाहिर है जब ये मॉडल बन जाए तो आप उसके अंदर और फॉर्म्स ऐड करके इसको ओलिगोपोलिस मॉडल बना सकते हैं। दूसरा होमोजीनियस प्रोडक्ट एजवर्थ ने भी लिया है और इससे पहले कॉर्नो का भी यही अजम्पशन था कि दोनों फॉर्म्स होमोजीनियस प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही हैं। तीसरी चीज कॉस्ट कंडीशन, दोनों ड्यूपोलिस की जो कॉस्ट है वो एग्जैक्टली सेम है और जाहिर है कॉर्नो ने भी यही मॉडल लिया था, कॉर्नो ने भी यह अजम्पशन लिया था कि दोनों की कॉस्ट जो है वो सेम रहेगी। ठीक है, तो एज यूजुअल मैं पहले फिगर को बना लेता हूं और फिगर बनाने के बाद फिर हम शुरू करते हैं। ओके, तो पहले हम ये अजम्पशन में ले चुके हैं कि दोनों ड्यूपोलिस्ट का जो प्रोडक्ट है वो आइडेंटिकल है, सेम प्रोडक्ट दोनों प्रोड्यूस कर रहे हैं और जो मार्केट है वो दोनों के बीच में डिवाइड की गई है और प्राइस सेम है। यानी जब उन्होंने मार्केट शुरू की तो दोनों के प्राइस सेम है। अब देखिए ये फिगर मैंने बनाई है, अब थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो सकता है फिगर में। पहले आप सिर्फ इसको देखिए, ये हमारा एक्स एक्सिस है, वो सॉरी वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है। तो ये ड्यूपोलिस्ट ए का ग्राफ है, ये इसका वाई एक्सिस हुआ, ये इसका एक्स एक्सिस हुआ और ये इसका डिमांड कर्व हो गया। तो यानी डीसी जो है वो डिमांड कर्व है ड्यूपोलिस्ट ए का और इसी तरीके से हमने दूसरे को दूसरी साइड में ले लिया। अब इसके लिए ये तो उसका वाई एक्सिस हुआ और ये इसका एक्स एक्सिस हुआ, तो ये इसका डिमांड कर्व हो गया यानी डी सी डैश। आसानी के लिए हमने किया है कि यहां हमने सीधे अल्फाबेट ले लिया ए बी सी एस ई और इधर इन्हीं को हमने डैश के साथ लिया है ताकि समझने में आसानी रहे। तो
अब ये डी और सी जो है, डीसी जो डिमांड कर्व है वो ड्यूपोलिस्ट ए का है और डी सी डैश जो है वो ड्यूपोलिस्ट बी का है। अब ये दोनों के डिमांड कर्व हमें मिल गए हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो ब्लू जो कंडीशन है, ब्लू जो लाइन है, ये हमारी दोनों ड्यूपोलिस्ट का या दोनों फॉर्म्स का मैक्सिमम आउटपुट है, यानी ओ बी मैक्सिमम आउटपुट है ड्यूपोलिस्ट बी का और ओ बी डैश मैक्सिमम आउटपुट है ड्यूपोलिस्ट बी का और ओ बी मैक्सिमम आउटपुट है ड्यूपोलिस्ट ए का, यानी दोनों फॉर्म्स के जो मैक्सिमम आउटपुट है वो ओ बी डैश बी का और ओ बी ए का। यानी अगर ये दोनों फॉर्म्स कोल्यूजन बना ली, यानी कोल्यूट कर जाती हैं, एक समझ लीजिए एक तरीके का कांटे समझ लीजिए वो बना लेती हैं, उसके बावजूद भी ये इनका मैक्सिमम आउटपुट रहता और ये इनका प्राइस है, ठीक है। यानी ये प्राइस इससे नीचे नहीं जा सकते हैं, इससे नीचे प्राइस जाएंगे तो मार्केट में रहने का कोई फायदा नहीं है। अब एक कंडीशन आती है कि हम अज्यूम करके चलते हैं कि दोनों ड्यूपोलिस्ट ओपी प्राइस सेट कर लेते हैं, यानी दोनों ड्यूपोलिस्ट ने अब ओपी प्राइस चार्ज कर रहे हैं और ओए क्वांटिटी सेल कर रहा है ड्यूपोलिस्ट ए एंड ओ ए डैश क्वांटिटी सेल कर रहा है ड्यूपोलिस्ट बी। ये एक कंडीशन है कि ये मार्केट में इस वक्त चल रहा है, दोनों ड्यूपोलिस्ट ने अपना प्राइस ओपी तय किए हुए हैं और ओए ए बेच रहा है और ओए डैश बी बेच रहा है, ये कंडीशन चल रही है। अब अजम्पशन क्या था कि यहां पर ड्यूपोलिस्ट अज्यूम करके चलता है कि दूसरा जो राइवल फर्म है वो प्राइस चेंज नहीं करेगा। अब मान लीजिए ड्यूपोलिस्ट ए के दिमाग में ये बात आई कि मैं ओपी प्राइस पर ओए प्रोडक्ट को सेल कर रहा हूं तो मैं क्यों ना अपनी फर्म की प्राइस पॉलिसी को थोड़ा सा रिवाइज कर दूं, और अगर वो प्राइस की पॉलिसी को रिवाइज करके थोड़ा सा प्राइस को घटा लेता है तो वो बी के कस्टमरों को भी अट्रैक्ट करेगा और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट उसको मिलेगा। अभी प्रॉफिट क्या मिल रहा था, अभी जो इसको ए को जो प्रॉफिट मिल रहा है ओ ए ई पी और बी को जो प्रॉफिट मिल रहा है वो ओ ए डैश ई डैश पी, ये प्रॉफिट मिल रहा है। अब फर्म ए ने सोचा, ड्यूपोलिस ए ने सोचा कि मैं अपने प्राइस को रिवाइज करके थोड़े से प्राइस कम चार्ज करूं और कम चार्ज करके जो इसके कस्टमर है इनको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लूं और अपना मैक्सिमम आउटपुट को सेल कर सकूं। तो सपोज कर लीजिए उसने अपने प्राइस यहां सेट किए, ये मान लीजिए हम इसको एल ले लें, ठीक है। यहां उसने अपने प्राइस को सेट किया, अब चूंकि कुछ कस्टमर इसने इसके अब लिए हैं तो उसकी डिमांड से ज्यादा होंगे। अब मान लीजिए ये अपना मैक्सिमम आउटपुट उसने बेच दिया, इसको ले लीजिए सपोज कर लीजिए एल डैश ले लीजिए इसको। अब इसने क्या किया, अब इसका प्रॉफिट कितना हो गया, अब जब इसने अपने प्राइस को थोड़ा सा घटा लिया और मैक्सिमम आउटपुट को सेल करने लगा, अब इसका प्रॉफिट पहले क्या था ओ ए ई पी और अब इसका आउटपुट हो गया ओ बी एल डैश एल, समझ रहे हैं? अब इसका प्रॉफिट हो गया ओ बी एल डैश और एल, तो यानी पहले वाले से प्रॉफिट अब काफी बढ़ गया। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, मान लीजिए अब हुआ क्या कि इस फर्म के जो कस्टमर थे वो भी इसी फर्म की तरफ अट्रैक्ट हो गए, तो यानी अब फर्म बी के जो कस्टमर थे वो चले गए सारे के सारे, सारे डेजर्ट कर गए, तो इसका मतलब अब ये है कि इसको लॉस होने लगा। अब इसको सोचना होगा अपनी पॉलिसी को रिवाइज करने के लिए, जब इसके सारे कस्टमर चले गए इसको लॉस होना शुरू हुआ, तब ड्यूपोलिस बी ने सोचा कि मुझे भी अपनी पॉलिसी को रिवाइज करना होगा ताकि मैं भी कुछ कस्टमर, मैं भी अपना प्रोडक्ट को बेच सकूं और मार्केट में सस्टेनेबिलिटी बना सकूं। होगा क्या, वो फिर जो हमारा अजम्पशन है वो ये सोच के चलेगा ड्यूपोलिस बी कि अब जो ड्यूपोलिस ए ने अपने प्राइस तय किए हैं एल, वो अपने प्राइस चेंज नहीं करेगा।
अब डियोपोलिस बी के पास दो ऑप्शन है. क्या दो ऑप्शन है? पहला तो यह है कि वो अपने प्राइस को घटाकर एल पर ले आए, तो फिर वही पी वाला सिस्टम हो जाएगा, मार्केट आधी आधी बढ़ जाएगी और दोनों मार्केट को शेयर कर लेंगे. Another option is that he can reduce the prices lower than the L so that the customers of firm A or the duopolist A can be attracted towards B. दूसरा काम वो ये कर सकता है कि अपने प्राइस L से भी नीचे ले जाए, अपने प्राइस L से भी नीचे ले जाए, और जिस तरीके से इसने P से नीचे करके इधर के कस्टमर को खींच लिया था, इसी तरीके से ये मान लीजिए अब इसने और नीचे करके ये मान लीजिए यहां पर ले आया K और K डैश. फर्म B ने क्या किया, अपनी प्राइस पॉलिसी को रिवाइज किया, और चूंकि ये अब इससे भी नीचे आ गया है तो इधर के कस्टमर भी कुछ इधर आ जाएंगे, तो ये इसकी डिमांड से आगे जाएगा और अब ड्यूपोलिस B भी ओ के प्राइस तय करके ओ बी डैश क्वांटिटी को सेल कर पाएगा. इसका मतलब यह है कि पहले जो इसका प्रॉफिट था ओ ए डैश ई डैश पी, वो अब बढ़कर ओ बी डैश के डैश और के हो गया. ठीक है, बिल्कुल जो ड्यूपोलिस ए ने किया था वही काम अब ड्यूपोलिस बी ने किया है. यानी अब ड्यूपोलिस बी के पास सारे कस्टमर आ गए, वो अपना मैक्सिमम आउटपुट को सेल करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता है. अब क्या होगा, अब ड्यूपोलिस बी के सारे कस्टमर इधर आ गए, मैक्सिमम कस्टमर इधर आ गए. अब ड्यूपोलिस बी को फिर प्रॉब्लम हुई क्योंकि उसका प्रॉफिट बंद हो गया, उसका प्रोडक्ट सेल होना बंद हो गया, तो वो क्या करेगा, वो फिर अपनी पॉलिसी को दिमाग में लाएगा कि मैं रिवाइज करूं, और वो फिर ये बात अज्यूम करके चलेगा कि ड्यूपोलिस बी के से नीचे प्राइस को नहीं ले जाएगा. ड्यूपोलिस अपना ड्यूपोलिस बी अपने प्राइस के पर ही सेट रखेगा. अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं अपने प्राइस को के पर ले आऊं और मार्केट को इक्वली शेयर कर लूं, या अपने प्राइस के से भी नीचे ले जाऊं और ड्यूपोलिस बी के कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर लूं, वो फिर अपने प्राइस को नीचे ले जाएगा. इसी तरीके से जब ये कर लेगा तो इसके बाद फिर इसको अपने प्राइस को चेंज, इसको अपनी पॉलिसी चेंज करनी होगी, फिर ये अज्यूम करके चलेगा कि ए चेंज नहीं कर रहा, मैं अपने चेंज कर लूं, फिर ये इधर करेगा. इसी तरीके से ये चेंजिंग सिस्टम चलता रहेगा जब तक प्राइस पी से पी डैश तक ना पहुंच जाए. क्यों? क्योंकि पी डैश के नीचे ये अपने प्राइस नहीं कर सकते. जैसे मैंने पहले बताया था, ये मिनिमम प्राइस है और ये मैक्सिमम आउटपुट है, इससे ज्यादा नीचे अगर वो करेंगे तो मार्केट में रहने का कोई फायदा नहीं है, प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं हो रहा है. तो अब क्या होगा, जब ये सिस्टम चलता रहेगा स्टेप बाय स्टेप और दोनों आकर एक जगह पी डैश पर रुक जाएंगे, यानी दोनों के प्राइस ओ पी डैश हो जाएंगे और ड्यूपोलिस्ट ए उस पर ओ बी प्रोडक्ट को बेचेगा जो उसकी डिमांड के अंदर है. इसका मतलब वो अपनी डिमांड को लिए हुआ है, और ओ बी डैश ड्यूपोलिस बी का प्रोडक्शन होगा, आउटपुट होगा जो ओपी प्राइस पर सेल करेंगे. अब ड्यूपोलिस ए को ओ बी एस पी डैश प्रॉफिट हो रहा है और ड्यूपोलिस बी को ओ बी डैश एस डैश और पी डैश प्रॉफिट हो रहा है. तो इस तरीके से यह सिस्टम चलता चला जाता है, और अकॉर्डिंग टू द एज वर्थ द प्राइस कटिंग बाय टू प्रोड्यूसर विल कंटिन्यू अंटिल द प्राइस फॉल्स टू द लेवल ऑफ पी एंड बोथ द फर्म्स कैन सेल मैक्सिमम ऑफ देयर आउटपुट्स. देखिए, अब दोनों ड्यूपोलिस को पता है कि प्राइस ओपी डैश से नीचे नहीं जा सकते, क्योंकि इससे नीचे अगर प्राइस जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है. इसका मतलब OB जो आउटपुट है या OB डैश जो आउटपुट है, इससे ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, ये मैक्सिमम आउटपुट है. दोनों को इस बात की नॉलेज है, दोनों ये बात जानते हैं. अब
जब ये सिस्टम काम करने लगे, यानी दोनों का एक इक्विलिब्रियम, एक शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम उसको कहिए, एक शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम मिल गया कि ओबी प्राइस पर ओबी या ओबी डैश प्रोडक्ट को बेचा जा रहा है। अब जो सपोज कर लीजिए ड्यूपोलिस ए फिर ये बात सोचता है कि मैं, जब हम दोनों ने आधी आधी मार्केट को बांटा हुआ है, आधी आधी मार्केट हमने शेयर की हुई है, तो क्यों ना वो अपने को ओपी पर बेच रहा है और वो जैसा अजम्पशन है कि वो प्राइस चेंज नहीं करेगा, तो मैं क्यों ना अपने प्राइस को वापस ऊपर ओपी पर ले जाऊं और मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकूं। तो वो क्या करेगा कि वो अपने प्राइस को दोबारा, जो ये ड्यूपोलिस ए है, ये अपने प्राइस को बढ़ाकर ओपी से, ओपी डैश से ओपी पर कर लेगा, ये वापस जाकर ओपी पर बेचना शुरू कर देगा। अब जब ये ओपी पर बेच रहा है और मैक्सिमम प्रॉफिट ले रहा है, तो ड्यूपोलिस बी को जब इस बात की नॉलेज होगी तो वो भी अपनी प्राइस पॉलिसी को रिवाइज करने के बारे में सोचेगा कि मैं क्यों ना वो अपने कस्टमर को हाफ मार्केट को ओपी प्राइस पर बेच रहा है, तो मैं भी क्यों ना ओपी डैश को छोड़कर ओपी पर पहुंच जाऊं और मैं भी मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न करने लगूं, रिड्यूस करके आउटपुट को, तो वो भी वापस ओपी पर पहुंच जाएगा और फिर से ओपी इक्विलिब्रियम मिल जाएगा जहां ओए डैश और ओए प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाने लगेगा। ये भी शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम है, इसीलिए एजवर्ड मॉडल के अंदर कहा गया कि एक फिक्स, एक सर्टेन और पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम नहीं है। इक्विलिब्रियम डेंगल करता है बिटवीन ओपी डैश टू ओपी, यानी जब ये दोनों फिर ओपी पर पहुंच जाएंगे तो वापस फिर ड्यूपोलिस ए अभी दोनों में से एक सोचेगा कि मैं थोड़ा सा कट डाउन कर लूं और ज्यादा प्रॉफिट कमा लूं, दूसरा वाला सोचेगा मैं उससे भी कम कर लूं, फिर पहला सोचेगा उससे कम, इस करते करते ये वापस फिर ओपी डैश पर आ जाएंगे। और इसी तरीके से ये इक्विलिब्रियम एजवर्थ मॉडल के अंदर मूव करता रहता है फ्रॉम ओपी डैश टू ओपी, यानी ओपी डैश और ओपी के बीच में प्राइस लगातार डेंगल करते रहते हैं, ना प्राइस ओपी डैश से नीचे जाएंगे और ना ओपी से ऊपर जाएंगे, इन दोनों के बीच में ये प्राइस डेंगल करते रहेंगे और यही इक्विलिब्रियम मिलेगा। तो ये एजवर्थ मॉडल के अंदर इसीलिए कहा जाता है कि कोई सर्टेन या पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो ये था एजवर्थ ड्यूपोली मॉडल और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने समझा होगा इसे। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कुछ एडवाइसेस दीजिए। थैंक यू सो मच।